नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम हैंगी दरपा, कैसे हो भाई लोग? बढ़िया। हाँ, तो थंबनेल देख के पता तो चला ही होगा कि कई के बारे में अनबॉक्सिंग या फिर जो भी करने वाला हूँ मैं। तो टाइम तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट चले जाएंगे और देखेंगे कि है क्या मेरे पास। पहली बात ये देखो, XBHP का कल मैं शॉप में गया था तो मेरे को पता चला, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो XBHP का इवेंट किया था मैं, उसमें मैं देखा था एक नया हेलमेट आया था जिसमें थोड़ी मीनिंग भी है। वो सिर्फ एक हेलमेट ही नहीं है, मैं जैसे हेलमेट देखा मैं तो मतलब चौंक गया, कम्प्लीटली चौंक गया। तो चलो बातों में भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको क्यों आपको खामा काम सताऊँ, है ना। तो डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ और अनबॉक्सिंग करता हूँ। हाँ, तो अनबॉक्सिंग शुरू करें। चलो ठीक है। ये तो आप लोग देख रहे होंगे, देखो इधर पे कुछ लिखा हुआ है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ थॉट। स्पीड ऑफ थॉट का मतलब तो आपको पता ही है ना, वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक क्या है, ID Biker करके बोल के भी जो उनका एक टैगलाइन टाइप वो लोग किए हैं XBHP वाले। चलो ठीक है, कोई नहीं, आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, है ना। ले लो। वाह, कवर में है और एक्स करके मिलेगा, देखो AXOR का है ना लोगो वाला जो भी है, AXOR हेलमेट। तो अंदर कैसे डिजाइन है, क्या है, देखना है क्या आप लोगों को। इसका कॉस्ट तो शायद आपको पता रहेगा ना, नहीं पता रहेगा तो भी मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। पहले इसको खोलते हैं। तो इतना ही दिया है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, खत्म। इसको निकालेंगे और ये लूज। वाओ, वाओ, मतलब सीरियसली देख रहे हो आप लोग। हाँ, I D Biker XBHP कल ये भी है। इधर पे 299। अच्छा, 299 आपको पता है कि क्या है, आपको बता देता हूँ 299 क्या है करके, ठीक है। पहले आप डिज़ाइन देखो, माँ कसम क्या लग रहा है। AXOR करके इधर लिखा हुआ वो भी है और डॉट सर्टिफाइड है FX। ये देखो, जबरदस्त। कोई सेल्फी ले रहा है। वाओ सर, बढ़िया। और ये अच्छा, इधर अंदर कुछ है। ओके, तो अंदर तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि कैसे है, क्या है। ये देखो, कोई नहीं। तो इसके साथ एक पैकेट भी आया है, पैकेट हम लोग खोल के बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे नहीं इसको, फिलहाल तो सिर्फ यही देखेंगे। तो देखो, यही है AXOR का वो जो लिमिटेड एडिशन है, शायद ये वाला भी XBHP का जो 299 करके जो लिखा है ना, ये एक्चुअली एक इमेजिनेशन पे किया गया है कि जो भी अब सुपर बाइक्स है ना, उनका स्पीड क्या रहता है मैक्सिमम। 299 एक एवरेज लेके चले हैं और ये 299 सिर्फ एक इमेजिनेशन पे हम लोग चलेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ भाई 299 है तो 299 निकल लेंगे, हाँ स्पीड नहीं, वैसे तो नहीं होता XBHP। तो ये इसके अंदर देखो, ये इंजन लिखा हुआ है, इंजन डाला हुआ है पूरा, इसका एग्जॉस्ट और फायर का जो इसका ग्राफिक्स किया है ना, ये ग्राफिक्स जो किया है मोटो ग्राफिक्स और टॉक्सिक स्टिकर्स ने किया है, ठीक है। ये जो भी ग्राफिक्स वगैरह पूरा हुआ है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। देखो मेरे को तो मैं प्यार में पड़ गया इसके। हाँ, नॉर्मल हेलमेट भी मिलते हैं AXOR के। चलो ये देखो, ये वाला देख रहे हो क्या आप, इधर पे जो बंदा सेल्फी ले रहा है, ये सेल्फी जो ले रहा है ना बंदा, ये एक्चुअली मैं जब पढ़ा था उनकी वेबसाइट में, दिस वाज द फर्स्ट सेल्फी आफ्टर वेयरिंग दिस हेलमेट, आफ्टर वेयरिंग द फर्स्ट एडिशन ऑफ XBHP वाला हेलमेट। ठीक है, ये वाला तो सेकेंड ऐसा है एडिशन, बट ये देख रहे हो ये वाला फर्स्ट एडिशन का है जो रेसिंग का करता है, उधर पहाड़ वगैरह रहते हैं, आप लोग तो देखे होंगे। तो यही है। और ये देखो ये डी रिंग का दिया गया है, अगर रेसिंग में अगर वगैरह कुछ करते हो तो ये डी रिंग का दिया है, और बहुत सेफ्टी रहता है मतलब ये वाला। उससे जो वो जो नॉर्मल ऐसे क्लिप आता है ना, वो क्लिप डालने से कुछ ज़्यादा ये नहीं इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि वो शायद निकल पाएगा बट ये नहीं निकलेगा। ये अक्सर रेसिंग में यूज़ करते हैं, और इसमें भी दिया गया है क्योंकि ये सुपर बाइक्स का जो हेलमेट इन लोगों ने बनाया है ना, एक ग्लॉसी फिनिश देके। और ये भी है पीछे, क्या बोलते हैं इसको कुछ बोलते हैं ना, जो भी है ठीक है, आप लोग देख लेना। तो ये एक्चुअली इसका एक चीज़ बताता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये साइड में, ये जो आपको साइड में पीछे दिख रहा है, ये भले ही कुछ नहीं, ये ब्रेन है, हमारा ब्रेन है। इससे ये बोल रहा है कि ये जो बाइक है और ये जो नट वगैरह लगे हैं ना इधर, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये जो भी न्यूरॉन्स है, मतलब आपके जो ब्रेन में जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये चीज़, ये वैसे ही बता रहा है शायद, मेरे हिसाब से तो वही लग रहा है। आपको क्या लगता है मेरे को पता नहीं, बट मेरे को ऐसे लग रहा है कि ब्रेन और आपका अंदर वाला जो ब्रेन है उसको कनेक्टेड है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली आपका जो रेसिंग का है, रेसिंग और सॉरी रेसिंग नहीं बोलूँगा, या फिर जो भी आपका राइडिंग रहेगा, ये ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। ये जो हेलमेट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा उसके साथ, मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है। ब्लूटूथ कंपैटिबल, स्ट्रीट स्टाइल, पिन लॉक 30 पिन लॉक के लिए ये भी दिया गया है ठीक है। और एंटी स्क्रैच, ओके, फुल्ली रिमूवेबल एंड वॉशेबल, ये बाद में निकाल लूँगा मैं। और अभी एक चीज़ क्या है, इसके अंदर फॉग का वो भी दिया है, जो फॉग जब आप लोग नॉर्मल हेलमेट्स में देखे होंगे, जैसे आप लोग अंदर जो हवा मतलब ब्रीद करते हो ना, तो उसका जो सामने पूरा फॉग आ जाता है, बट इसमें जो है ना एक लेयर दिया गया है जिसकी वजह से फॉग वगैरह नहीं आएगा, वो इट बाकी जगह आएगा, जितना वो लगा है ना वो जगह में नहीं आता है। और अभी एक चीज़ क्या है, इधर एक डुअल वाइजर भी है, ये अंदर ब्लैक कॉलर टिंट के टाइप के साथ। तो ये है इनका एयरवेंट, ये देखो एक एयरवेंट दिया है, और दूसरा एयरवेंट किधर है, दूसरा एयरवेंट इधर भी है, ये लग ये तीसरा एयरवेंट है, और ये पीछे इसके पास भी है, बट ये शायद हवा जाने के लिए होगा बाहर। और ये देख रहे हो एरोडायनेमिक्स का मतलब पूरा ऐसे बढ़ता है ये हेलमेट। एक बार पहन के दिखाऊँ क्या, रुको पहले ये निकाल देता हूँ ना, कैसे निकालते हैं इसको। अच्छा ओके, वाओ बढ़िया लग रहा है ये वाला, तो देखो है ना बढ़िया लग रहा है ना। हाँ मैं यही बता रहा था, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है फॉग, एंटी फॉग के लिए है। चलो इसको मैं पहन के दिखाता हूँ तो कैसे पहनते हैं। ये तो मैं फ़िलहाल नहीं डालूंगा, क्या आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी पता नहीं, ये तो फ़िलहाल मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये थोड़ा सपड़ाना रहता है, ताकि जब भी आप गिरे या फिर कुछ ऐसे तो ना हो, बट अगर गिरे तो वो आपके गर्दन से बाहर ना जाए ठीक है, ये आपके इधर ही रहेगा। तो ये थोड़ा फिट भी है, सही है, मेरे साइज़ का है, मेरा साइज़ एल है बाय द वे। तो कैसे लग रहा है, बढ़िया क्या बोलते है ना। तो कंफर्टेबल है और आपको स्पेस भी मिल रहा है। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है क्या, जब आप नॉर्मल हेलमेट यूज़ करते हो ना, तो उसमें एक चीज़ होता है, जब आप डालते हो वेगा या फिर ऐसे, देखो मैं वेगा करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या है कि वेगा मैंने ट्राई किया है, तो ये है वेगा। वेगा में जो है ना, आप जब डालते हो ये वाली चीज़, आपके पास ना स्पेस नहीं है, ये देखो ये देख रहे हो इतना ही। तो ऐसा क्या है, जब मैं ये डालूँगा तो तुम्हें स्पेस नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा कि आईना आपके सामने आ गया, आपको चश्मा वश्मा लग गया, बट इसमें क्या है, इसमें वैसा नहीं है। इसमें आपका एटलीस्ट इधर तक तय और आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई 2 BHK या 3 BHK का आपका घर ले लिया इसके अंदर उतना स्पेस है। और आप देख सकते हो ये वॉशेबल भी है, इसको आप निकाल सकते हो। निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ इधर देख सकते हो आप, ये ऐसे निकाल सकते हो। इधर 2 बटन दिए गए हैं, देख रहे हो, इधर देखो, ये जो 2 बटन दिए गए ना, ये 2 बटन बस आपको लगाने हैं। उसमें इंटरकॉम आप लगा सकते हो, इसके अंदर आपको स्पीकर के लिए जगह भी दिया गया रहेगा। जो भी मोटो व्लॉगिंग करते हैं वो करते हैं तो इधर ये साइड एक स्पीकर और ये साइड एक स्पीकर। अगर ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, अगर स्क्रैच हो भी जाता है तो इसका जो वाइजर है ना, ये मिनिमम आपको पड़ जाएगा 1200 के रेंज में, आपको किधर भी मिल जाएगा। और अभी एक चीज़ क्या है, हाँ मैं आपको बता रहा था कि ये मैं कितने में लिया। एक्चुअली इसका प्राइस है XPHP में 6500, बट ये मेरे को मिला 6200 में, चलता है हाँ 6200 में मिला मेरे को। बिल तो मेरे पास अभी नहीं है, शायद किधर पे होगा, ये कल ही लिया मैंने। एक्चुअली क्या था कि मेरे को ज़्यादा देर वेट नहीं करना था, मैं ऑर्डर करके 3 दिन 4 दिन वेट करके इसको ले लूँ, मेरे को ऑन द स्पॉट जाके लेना था। तो मैं जब बात किया, मेरे को पता चला कि एक दुकान में मेरे को मिला, ठीक है, इधर बेंगलुरु में। उधर जाके जैसे मैं बात किया तो वो बंदे ने एक अंदर गया, अंदर जाके एक डब्बा लेके बाहर निकला और उसके अंदर ये था, मतलब जबरदस्त लगा। आपको ग्लॉसी फिनिश दिख रही है ना, देखते ही मैं प्यार में पड़ गया इसे, I D Biker। तो ये मेरे को पड़ा 6200 में। अभी ज़्यादा शायद कम कर देता हो, बट मैं करने गया नहीं। इसके साथ शायद आपको एक ये भी मिलेगा, अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए ना, इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, बट अगर कुछ होगा तो साइड में लिखा रहेगा। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर, अगर ये आपको नहीं चाहिए वाइट वाला, तो ये आप निकाल के ये आप डाल सकते हो। और अब ये चीज़ क्या है, ID Biker तो आपको पता ही है, XBHP का ये टैगलाइन है। और 299 तो मतलब आपको वो भी पता चल गया, और ये भी आपको पता है कि ये जब फर्स्ट एडिशन निकला था, फर्स्ट सेल्फी था, तो उसको भी ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। DOT सर्टिफाइड है, ISI नहीं है, बट चलेगा DOT उससे ज़्यादा ही है। और ये जो इंजन दिए इन लोगों ने विथ एग्जॉस्ट, ये भी मस्त लग रहा है, डुअल एग्जॉस्ट, एक इधर और एक इधर, जो आग छोड़ रहा है, वाह। सामने से देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है ना एग्जॉस्ट। ये वाला और भी सेक्सी लग रहा है, मतलब और भी मस्त लग रहा है। और क्या बताएं इसमें, तो पिनलॉक भी हो गया, पिनलॉक भी आपको दिखा दिया हूँ। एंटी फॉग भी है, और ये वॉशेबल भी है, तो आप निकाल के इजीली वॉश कर सकते हो। D रिंग है, बस ख़त्म, शायद इतना ही। और इसके साथ आपने बैग तो देखा ही है, ये बैग वाला दिए थे ये लोग। सो इसमें एक्सर हेलमेट ये आपको क्यों दिया है, मतलब हाँ ये बैग के जैसा भी आप पहन सकते हो, ऐसे बैग ऐसे करके पीछे, ठीक है, लाइक स्कूल बैग। ये इसलिए दिया है क्योंकि आपका जो ये हेलमेट है, इस पर डस्ट ज़्यादा, अगर आप लोग कहीं रख रहे हो तो इस पर ज़्यादा डस्ट भी ना रहे। और अगर आपका ये ग्लास वाइजर, इस पे ना स्क्रैचेस भी ना आए ज़्यादा, इसीलिए ये बैग दिया गया है, ताकि सपोर्ट करेगा। और अभी एक चीज़ क्या है, हम लोग दिखेंगे ये वाला, रुको, ये तो आपको बता दिया हूँ। अगर ये नहीं चाहिए पीछे वाला, ये वेट बोल देगा इसको, अगर ये नहीं चाहिए इधर से आप निकाल सकते हो आराम से। उसके बाद ये डाल देंगे इसको कवर अप के लिए, क्योंकि उधर अंदर स्पेस जो बचा रहता है, अगर नहीं तो मतलब बहुत और दिख जाएगा। तो ये है, थोड़े स्टिकर भी दिए हैं, और कुछ नहीं। एक्सॉर हेलमेट्स का एक स्टिकर है। और आपका ये बढ़िया है, अगर आपका कहीं आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, आप इस पर भी लगा सकते हो। 2 दिए हैं शायद, नहीं एक ही दिया है, तो ये आप इस पर भी लगा सकते हो, या फिर इस पर बस लगाने का मैं तो नहीं लगा, इस पर बाइक पे लगा सकते हो आप, ताकि जब भी आपको पता चले कि मतलब हर चीज़ पता चल जाएगा उस पर। ये कुछ स्टिकर्स दिए हैं ताकि जब रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्टर टाइप दिख रहा है मेरे को ये, अगर बाइक पे लगाना है या फिर हेलमेट पे लगाना है, अगर पीछे से कोई रोशनी आ रही है या हेडलाइट एकदम से चौंक गया तो उनको ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इतना ही दिया गया है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको मैं साइड हटा देता हूँ। तो आप बताओ कैसा लगा आपको हेलमेट, कमेंट करके बता देना, है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बढ़िया है। किसी को और हेलमेट चाहिए तो ले लो, ये शायद लिमिटेड एडिशन है। और हाँ बस उतना ही, ख़त्म आज के लिए इतना ही। इस पर कैसे GoPro माउंट करते हैं, ये है मेरा GoPro, तो ये Hero 9 है। इसको कैसे माउंट करते हैं मैं वो भी आराम से बता दूंगा कोई अगले वीडियो में, ठीक है। इसको इधर करना है, इसके एक्सेसरीज भी लेना है, तो उसके बाद मैं दिखा दूंगा कि कैसे उसको माउंट करना है, क्या करना है। और इसके बारे में भी अगर कोई और स्पेसिफिकेशंस भी होंगे और इसको भी वगैरह जो भी इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं अगले वीडियोस में ऐसे बताते रहूँगा। और बने रहिए अगले, जब तक मेरे अगली व्लॉग ना आ जाए। मैं ये बार सोच रहा हूँ कहीं नया जगह जाऊँ, कोई एक्सप्लोर करूँ अच्छा चीज़। ये बार शायद सोच रहा हूँ कि फॉल्स चले जाऊँ, कोई नाम तो नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट उधर जाऊँगा, कुछ एक्सप्लोर करूँगा। शायद मैंने मैप्स में देखा था, मैं अक्सर वेबसाइट्स पे जाता नहीं हूँ, तो मैं मैप्स पे ही पढ़ लेता हूँ कि किधर पे क्या है, कैसे किधर पे क्या फ्लो है, ठीक है। मेरे को ज़्यादा बात भी नहीं करनी उसके बारे में। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।